أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हजारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व सय्यदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आत पर। शाह जी सामने भी बैठ रहे हैं। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले और तमाम अहले शौक पाकिस्तान अहले शौक पंजाब और बेरमूम जिला गुजरात और लाला मूसा से तलक रखने वाले जितने भी शौकीन हज़रात बैरून ममालिक हैं उनकी खिदमत में लाला मूसा की सरजमीन से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, लाला मूसा की दो तीन वजह शोहरत हैं जिसमें आलम लवार को आपने सुना होगा, उनका तलक भी लाला मूसा से था। इसी तरह सियासी समाजी हवाले से मैं अगर बात करूँ तो चौधरी कमर जमान कायरा जिनका तलक पीपल पार्टी से है, उनका तलक भी लाला मूसा शहर से है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देखते हैं कि गुज़श्ता तीन चार सालों से मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जिस छत में मैं खड़ा हूँ मेरी मुराद उस्ताद फैसल कमार जिनका तलक लाला मूसा शहर से है और उनके कारे मुख्तार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब, इंतहाई मशहूर हूँ इनका शाह जी का कि वो वक्त दे रहे हैं। फैसल भाई अपने कोई मेहमान उनके आए हुए हैं, उनकी कुछ मसरूफियात हैं। तो आइए दोस्तों, असबे वादा मैं आपको उनके ब्रीडर कबूतरों का शौक करवाने जा रहा हूं और मैं शाह जी से मुल्तमिस हूं कि वो हीराबाग के साथ जाएं और आपको उनके चंद ब्रीडर कबूतरों का शौक करवाएं। तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो जुनून है, ये बाजरा जिस वक्त आप उसको वाश करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग चारपाइयों पे कपड़ा डाल के अपना अपना तरीका है, मगर फैसल भाई ने स्पेशल इनके लिए ये ट्रे बनाई हुई है। ये अगर आप देखें ये ट्रे, इसको आप निकाल के ये आप इसको नीचे रख लें, इसको वाशिंग बे पे रख के बाजरा वाश करके इसको निचोड़ के फिर इसको इसी तरह इस ट्रे को अंदर कर दिया जाता है और यही ये बाजरा खुश्क होता है। इसकी तीन चार परतें उन्होंने, एक दो तीन चार परतें इनकी बनाई हुई और जाहिर है वो काफी देर कबूतर भी बहुत ज्यादा है। मेरी पाप से रिकॉर्ड बात हो रही थी फैसल भाई से तो कह रहे थे कि लाला जी गालबन 1500 से ज्यादा परिंदे जो है वो मेरी छत पे मौजूद है। इसी तरह ये इनका सारा पीछे साथ ब्रीडर सेटअप भी है। ये अगर आप देखें इस तरफ फिर आपको दिखाए तो इन केजेस में मादाएं हैं, फीमेल कबूतर जो है वो इस तरफ है इनके ब्रीडर और इसी तरह जो नर ब्रीडर है वो इस तरफ है। तो शाह जी मैं गुजारिश करूंगा कि तुम दो परिंदे शाह जी अच्छी ले दो, एक कबूतर फट रहे होना अच्छे अच्छे जड़े ने ने। ये दोस्तों ये अगर आप इस कबूतर को देखें तो अब रात का टाइम है, जाहिर है आपको आंखें जो है उसका पीपल जो है वो बड़ा नजर आएगा। ये कमारा ब्रीड के नाम से फैसल भाई ने इन कबूतरों को नाम दिया हुआ है कमारा ब्रीड। इस कबूतर को आप देखें, बड़ी वजा कटा बड़े सर वाला ये कबूतर है। इसी तरह इसका कुंडा देखें, अभी ये जाहिर है ये ब्रीडर कबूतर हैं, कुछ कलियां निकाल भी रहे हैं। शाह जी कोई लहर दें जो अदर हो जाए इसकी डोंग देखें आप। इसी तरह इस कबूतर की मैं आपको आंख दिखाऊंगा, मगर ये होता है दोस्तों कि डे लाइट में सूरज की लाइट में कबूतर का जो पीपल होता है जिसको हम आई बॉल कहते हैं, काले रंग का जो डीरा अंदर दाना होता है इसको पीपल ऑफ आई कहा जाता है इंग्लिश में बॉल आई बॉल। तो ये आपको जरा बड़ा नजर आएगा, डाइल्यूट नजर आएगा। Thank you.
आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों, ताकि लाला मूसा के इस बेहतरीन शौकीन का शौक जो है उसको दूसरे शौकीन हजरात भी देख सकें। इसके साथ साथ दोस्तों लाला मूसा से तलक शम्स भाई गालबन डेनमार्क में है, हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं, अक्सर मेरी वीडियोस वगैरह वो देखते हैं और उनका तलक जो है वो लाला मूसा से है। इस तरह दोस्तों आप इस कबूतर के पंजे देखें, ये दोस्तों ये शाह साहब ये कह रहे हैं गुलाम अब्बास शाह साहब कि 60 नस्लों से ये कबूतर जो है ये वो अली वाली ब्रीड, ये कह रहे हैं कि ये अली वाली ब्रीड का कबूतर है और 60 नस्लें इनकी इस छत पे मौजूद हैं और वो परफॉर्म कर रही हैं। इसका आप कुंडा देखें, इस कबूतर का कुंडा देखें आप, इस परिंदे की तकरीबन 20 साल से ऊपर उम्र होगी। ये शाह साहब ये बता रहे हैं कि ये 20 साल से ज्यादा का उम्र का ये परिंदा है, अली वाला ये कबूतर, उसका ये कुंडा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह इस कबूतर को आप गौर से देखें, इसकी आंख देखें आप, आप दोस्त मेरे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें दोस्तों, ताकि लाला मूसा का ये खूबसूरत शौक जो है ये दोस्तों तक पहुंच सके। पंजे देखें इसके, इसके भी पंजे देखें आप इस कबूतर के, इसी तरह आशा साहब एक और कबूतर लाए हैं, ये दोस्तों टैडी सनफ में ये एक नंबर ब्रीड के ये कबूतर, ये शाह साहब ये कह रहे हैं ये एक नंबर टैडी, तकरीबन इसके 40 से 50 बहन भाई अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। 40 से 50 बहन भाई जो शाह जी कह रहे हैं, जाहिर है इतने कबूतर हैं दोस्तों उनके पास, बड़ा खूबसूरत कबूतर ये दोस्तों, ये टैडी ब्रीड की सनत से ये कबूतर, बड़ा खूबसूरत कबूतर, इसका कुंडा देखें आप माशाल्लाह। इसके बगल के पार अगर आप दोस्तों देखें तो दुम के साथ जाके ये अंदर वाले बगल के पार बड़ी चुड़ाई है इनमें, बहुत कम गैप नजर आता है, अली वाली ब्रीड का ये अपना सॉरी टैडी ब्रीड का ये कबूतर है। इस तरह इसका दूसरा कुंडा देखें, डे लाइट में दोस्तों इसकी दुम देखें आप, इसी तरह इस की आंख देखें आप इस कबूतर की, पंजे देखें इसके, सलाम
علیکم لالا جی عمان مسقط سے لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ دوستو ایک مشہور زمانہ بریڈ لٹل آئی جس بریڈ نے استاد چوری موہن واس گمن آپ سامنے آل یہ وہ شرمیلے کبوتر ہیں دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کا کلر دیکھیں آپ, ان کا کلر دیکھیں. یہ بھی کلیاں, ایک آخری کلی جو ہے دسویں کلی وہ نکال رہا ہے. ان کے جسم کا اگر آپ کلر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دوستو اس کے اس کبوتر کے سر پہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے. یہ ایک آپ کو لٹ سی نظر آ رہی ہے, یہ بڑی خوبصورت تھی, یہ قدرتی ہے اس کی. یہ اگر آپ دیکھیں یہ علیحدہ لٹ ہے, یہ جو ہے یہ پری سی آپ کو بڑی اس طرح اس کبوتر کی اگر آپ آنکھ دیکھیں یہ دوستو کل نا ایک بات ہوئی استاد عاشق حسین کی چھت پہ پریل کبوتروں کی. اب یہ کبوتر میرے ہاتھ میں آیا ہے, یہ دیکھیں اگر آپ, کل استاد جی ایک بات کر رہے تھے, یہ کبوتر بھی اسی اس کا جسم جو ہے اندر والا جسم اس کا بہت چھوٹا ہے اور پر اس کے اوپر, اس کے جسم کے اوپر اگر آپ پر دیکھیں تو اس کبوتر کے جسم کے اوپر پر بہت زیادہ ہیں. یہ پریل کبوتر ہوتے ہیں اور ان کی خوبی آپ نے دیکھی, کل استاد عاشق حسین نے بھی آپ کو بتائی. بڑی شاندار یہ بریڈ اور اس بریڈ نے بڑی شہرت حاصل کی. یہ دوستو یہ کو آپ گولڈن کے موتیوں والے, جی موتیوں والی یہ بریڈ لائٹ لائٹ تو شاہ جی پرنس پرنس گولڈ جی پرنس گولڈ بریڈ جی استاد فیصل کمارا پٹالا بھوسا ان کے گھر کی. بڑا شاندار یہ کبوتر, آپ اس کا جسم بھی دیکھیں گے ماشاء اللہ. یہ دوستو استاد فیصل کمار ظاہر ہے ان کے پاس اتنا ایک سلسلہ ہے کبوتر پروری کا تو وہ خود بھی تجربات کرتے رہتے ہیں. یہ کاشف بھائی میرے ساتھ, کاشف کے کیمرہ مان نہیں رہا. ہاں کاشف بھائی دسو نے اس کو. جی ہے بھائی, میرے نے خود اپ کو تیار کیتی ہے استاد محترم دے نال. اچھا اچھا ہوا اپنے ساتھ ساتھ دے نال. اے ہلے وہ وچوں ہی پنج بندے نے جڑے بھائی نے تیار کیتے تھے. اس کلر وچ بھی دو سارے کلر وچ خود ایک ہے بریڈ ساڈی. اے تو ایک منٹ دوستو اس کبوتر میں آپ کو ماشاء اللہ اس کا آپ کنڈا دیکھیں, اس کی آخری آٹھویں نویں دسویں کلی اور پورا کنڈا اگر یہ آپ کو دکھائے اوپر سے اٹھتے جائے. اس کے بھی بغل کے پر اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے انگوٹھے کے ساتھ دم جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اوپر جا کے اس دم کے اوپر جا رہے ہیں. اسی طرح یہ دوسرا کنڈا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دوستو آٹھویں نویں دسویں, ذرا کلوز کر رہے تھے, یہ آٹھویں نویں دسویں کلی اور اس کبوتر کے پروں میں مسا پن. اس طرح اس کی دم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک مسا پن نظر آئے گا. اس کی آپ آنکھ دیکھیں, آپ دوست میرے اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. دوستو یہ کاشف بھائی آپ کو ایک کبوتر دکھا رہے ہیں,
ये हमारे गला बेड़ा खलारा सामने 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 छाती सामने ये हमारे गला बेड़ा है सलारा गरला ब्रेड जी। हाँ, इसकी पट्टी पिछले सीजन में पंजाब चैंपियन हुई है 7:54। इनका प्रभाव में कोई सानी नहीं। ये दोस्तों, ये जो पहला मैं आपको कबूतर दिखा रहा था उसके अगर आप पंजे देखें इस कबूतर के खुश्क जामुन ये दोस्तों इस कबूतर के मुतल्लक काशी भाई अभी आप बता रहे थे। इस कबूतर को अगर आप इसका जिस्म देखें, इस कबूतर को आप देखें, पूरा कबूतर उठा मेरा पीछे ये काशी भाई ये कह रहे हैं दोस्तों इन कबूतरों की परवाजें भी बड़ी शानदार हैं। इसका कुंडा अगर आप देखें माशाल्लाह, ये इसका कुंडा आप नहीं ये दोस्तों अब काशिफ जरगे ये बता रहे हैं कि ये रात रह के मिस ना हो, आज तक इन कबूतरों ने हमें ना परवाज के हवाले से ना सियान के हवाले से हमें मायूस नहीं किया है। बड़ा खूबसूरत कलर और एक ही कलर है इसके कुंडे का अगर आप देखें। इसका ये मैं फुल कुंडा मैंने खोला हुआ है, इधर जरा पीछे कर कैमरा, ये फुल कुंडा है का आप देखें, पंजे देखें इसके। इसी तरह इस कबूतर की आप आंख देखें, आशी भैया अब खाओ जरा इसी जगह सामने कबूतर पहला सामने छाती एक काशी भाई जी कबूतर है हमारे लाल परी कबूतर है। लाल परी कबूतर जी काशिफ जरगर साहब और अंदर लाल परी कबूतर जी उस्ताद फैसल कुमार साहब जी। ये भी परवाज में जनाब बहुत ही शाहजी इधर आ जाकर लाइट का इधर हो जाए करो शाहजी जी। लाल परी कबूतर का तुम शौक करा रहे हैं जी केड़ा भी तदार काफी तदाद शेहू वाला लाल परी जी बस ठीक छड़ दो मुश्माई करने हैं शौक छड़ दो वहां ना सारे सब अगर शाहजी सामने आते हो शाहजी हां दूसरे पहला सामने कबूतर वाओ शाह जी सामने छाती कबूतर है खुद पिछले जेल चार छोड़ के चार बनिया सी फिर भी रात नूं बैठदा रहा कबूतर खोलो जी शाह जी जरा कबूतर देखा ना ओदा ही पट्ठा है जिहड़ा पहला लाल परी कबूतर तो लिखा ओहदा इह पट्ठा जी तुहानूं उहदा शौक करा रहे हैं जी। दूसरा 2021 जेड़ च
ਚਾਰ ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ जी। उस्ताद फैसल कुमार आप लाला मूसा जी उन्होंने ब्रीडर कबूतरों का नर ने सारे जी नर का शौक करा रहे हैं जी। जी सारे ब्रीडर नर ने जी फैसल साहब आते जी सारे नर ने जी सारे नर ने जी मादियां ने जी सारिया मादियां ने जी ठीक है तो नर का शौक कराया मादियां का तुहानू शौक करा रहे हैं जी। उस्ताद फैसल कुमार जी आफ लाला मूसा जी इन्हां दी तुहानू मादियां दा शौक करा रहे हैं। जी उन्हूं ईवीओ कैप्सूल लिया के दिओ जी सही हो जाएगा जी। शायद जानते ने मेरी मादी जी ना अंडा अंडिया तो अंडे बंद है अंडे तो बंद है तो लाई दसो उसका लाई थोड़ा जहा लम्मा पींदे रे। अच्छा वो नंबर ला लेंगे वो जी शहर जानते ने लम्मा प्रोसीजर बनिया पईयां गोलियां आ ले शहर ही पेंदे ने जी लम्मा प्रोसीजर है अगर तुसी लाले मुसे उस्ताद फैसल कुमार दी छत आ सकदे हो ते इत्थों आ गोलियां लेके जा सकदे हो जी बड़ियां पईयां ने बड़ियां भी पईयां ने बैठ के जेड़ी गल दा पता लगदा ना वो फोन ते नहीं होता पता लगदा। अच्छा रियांदा जेड़ी तुसी खुद भी बनाना चाहया ते तुहानू दसांगे जाके खुद घर बना लवियो ठीक हो अगर जे बड़ियां बनाईयां लैणियां होईयां ते इत्थे मौजूद पईयां ने ठीक हो गया जी। शाह साहब आंदे ने जी टेलीफोन ते लम्मी गल हो जांदी है समझ नहीं सही चलदी अगर तुसी लैनिया ने बनिया बनाईया तो इतने आके लैके जा सकते हो इस बिजली ला तो अगर नहीं तो तुम इतने आ जाओ तो समान लिखा दें तो चीजा लिखा दें तुम जाके आप घर गोलियां बना लगे जी थोड़ी जी मेहनत ज्यादा है ना तो इस तरह फोन तो बंदा समझ नहीं सकता तरीका ठीक है जी। ए भी जी मादियां ने जी ए भी जी उस्ताद फैसल कुमार साहब होर दी मादियां ने जी नर वखरे किए ने मादियां वखरियां कीतियां ने जी। चलिए तो निकलना किधर हूँ मादियां ही मादियां जी अभी मादियां ने जी सारियां जी अभी मादियां बैठी ने जी अंदर भी मादियां मादियां ने जी
ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਸ਼ਾਜੀਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ये दोस्तों मैं आपको उस्ताद फैसल कुमार की छत से पहले हमने आपको कुछ नरों का शौक करवाया। ये उनकी एक मेन मादा है, ये शाह साहब, ये भी परेल मादा लगती है दोस्तों। इसका भी जिस्म हल्का और इसके ऊपर पर ज़्यादा है। ये गोल्डन सनफ में ये मादा, इसका भी कुंदा देखें आप, माशाल्लाह। इस तरह इस मादा की आप आंख देखें, देख लिया मैंने। पंजे देखें इसके, इस तरह इसकी बड़ी छोटी सी दोम, बड़ी छोटे जिस्म की ये मादा, बड़ी खूबसूरत मादा, मेलामियत भी इसमें मौजूद है दोस्तों। इतना ही खूबसूरत मादा ना, पूरा कबूतर है, कबूतर नजर अच्छा जी। लो दो एक मानिए लो। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल हम आपका कोशिश करेंगे कि आपको चैंपियन पंजाब उस्ताद जैद भट्ट अफडिंगा, उनके शागिर्द हैं चौधरी रिजवान गुज्जर, जिनका तल्लक ज़िला गुजरात के गांव खोजा से है, वहां से इंशाल्लाह कल हमारी कोशिश होगी कि आपको शो करवाया जाए। बड़े खूबसूरत परिंदे दोस्तों, आपको दिखाया गया है। ये उसी सनत से ये मादा जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह इसका भी कुंदा, ये बैर वाली कली जो है वो निकाल रही है। दोम देखें इसकी, और इसी तरह इस मादा की आप आंख देखें। फोकस करके चेक कर दो, पीछे चेक कर देना, फिर फोकस करेगा, जूमिंग काट कर। पंजे देखें इसके, ले आओ शाजी, शाजी ले आओ। ये दोस्तों बड़ा खूबसूरत और बड़ा हसीन शौक, ये मादा भी जो है ये अलीप वाले कबूतरों की सनत से है। ये मादा शाजी बता रहे हैं, अब ये उन्होंने इसको ब्रीडर परिंदों में डाला हुआ है। इसका पठा बाद में बोलता है। ये भी मादा है, शर्मिली मादा है।
पहले हमने आपको दोस्तों नर शर्मिला दिखाया था, अब ये शर्मिली मादा हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े सरों वाले कबूतर हैं दोस्तों शर्मिले। अगर आप इनके सरों पे गौर करें तो टैडी या इस तरह के कबूतरों की नस्बत इनके सर जो हैं वो बड़े आपको नजर आएंगे। ये मादा है, कबूतर दिखाया ना कि बैठी है माशाल्लाह। इसका भी कलर देखें और इसका कुंदा भी आप देखें माशाल्लाह। कुत्ते शर्मिली टाइप था जिसे पट्टी देखी टूर्नामेंट छोड़ रही है। बगल के पर देखें, इनके पूरा कुंदा देखें। इसके जिस्म का भी आप अगर आप कलर देखें ऊपर वाला शाहरी दस देने तो जी फर्क हो लैन फिर शाहरी तो दस देने जी सारा इलाज शाही दस देने। आप दोस्तों ने मेरे इस पेज को आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें ताकि ये खूबसूरत शौक जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी दुम देखें आप, ओए पंजे देखें इसके भी। ये इनके ऊपर वाला इनका कलर बड़ा मखसूस कलर और दुमे में इनकी सफेद होती हैं। ये मादा और शरीर बस मादा ने सारिया ब्रीडर मादा जी, लेकिन लहदा लहदा कि नर वक्रे मादा वक्रिया कीतिया ने जी। लख ही मादा बैठी है जी, लख ही नीचे वाला ये थर्ड पोर्शन है। ऊपर आपने देखा उड़ाने वाले कबूतर, फिर सेकंड पोर्शन, फिर उनका ब्रीडिंग सेटअप, और ये भी नीचे जितना है ये सारा फैसल भाई का ब्रीडिंग सेटअप है। ये कबूतर भी आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे उनके ब्रीडर थे। थोड़ा हल्का हल्का कबूतर बैठे और ऐसे आते सामने आए थे। ये तमाम उनके ये ब्रीडर परिंदे हैं जो आपको हीरा दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप अंदर आ जाएं तो ये तमाम ब्रीडिंग सेटअप है, ये सारा आप देखते हैं। ये अलहदा अलहदा केजेस हैं कबूतरों के। ये दोस्तों हीरा अगर आपको दिखाए तो ये उनका ब्रीडर सेटअप है। ये एक जोड़े के लिए, ये एक जोड़े के लिए खाना बना हुआ है। ये डबल पर ये इसका दरवाजा भी है, ये डबल इसको यहाँ से बंद करके ये फिर आप स्टैंड इसका ये स्टैंड आप इसका खड़ा कर सकते हैं और इसको आप बंद भी कर सकते हैं।
ये दो उन्होंने एक ही पोर्शन में इसके भी दो हो जाते हैं ऐसे बंद है। ये इसको अगर आप डबल करना चाहें तो ये नीचे एक उन्होंने इसके अंदर इसका एक हेडर लगाई हुई है, उसको आप नीचे कर लें। या होता अक्सर ये है कि जोड़े उन्होंने बच्चे दिए होते हैं तो उन बच्चों के बाद वो फौरन जो है दोबारा अंडे दे देते हैं, तो उनको ये सहूलत मौजूद होती है एक जगह पे बच्चे और दूसरी जगह पे अंडे। बड़ा खूबसूरत शौक दोस्तों। मैं दस्या। ये दोस्तों तमाम जितना भी ब्रीडिंग सेटअप है बड़ा खूबसूरत ब्रीडिंग सेटअप बना हुआ है। ये तमाम अलहदा केजेस हैं जोड़ों के, और आजकल गर्मियों का मौसम है तो गार्बन इन्होंने नर और मादाओं को जो है वो अलहदा किया हुआ है। चलिए यार इजाजत दे, ये काशी भाई हूँ दूजी बारी प्याज नहीं तंग पै गए नहीं काशी होनी अंदर आओ जी चल जी आओ गली इतो इधर जरा सामने पी है ना उत्ते परछावा आता जो ना इधर पर चलो इतने ठीक है। तो दोस्तों आपने काशिफ जरगर भाई मेरे साथ खड़े हैं, इस तरह इनके दोस्त उस्ताद फैसल कुमार जिनके नाम की ये छत उठती है, बड़ी शानदार कामयाबी है इन्होंने विसाख 2022 में अपने नाम समेटी। इसी तरह इनके तारे मुख्तियार सईद गुलाम अब्बास, मैं उनका भी मशहूर हूँ कि आप देखे हैं काफ़ी टाइम से वो आपके साथ हैं, और मैं समझता हूँ ये जितना भी शौक कबूतरों का आपने किया है इनकी मरहूने मेहनत है। मैं फैसल भाई का, उस्ताद राजा इफ्तखार काका पूरी पार्टी का, उस्ताद राजा इफ्तखार काका, उस्ताद राजा ताहिर अबीब, उस्ताद फैसल कुमार और इसी तरह काशिफ जरगर और